أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। तर्जुमा सूरह बकरह 70वां रुकू। अब कहेंगे बेवकूफ लोग किसने फेर दिया मुसलमानों को उनके इस किबले से जिस पर थे। तुम फरमा दो कि पूरब और पश्चिम सब अल्लाह ही का है, जिसे चाहे सीधी राह चलाता है। और बात यूं ही है कि हमने तुम्हें किया सब उम्मतों से अफजल कि तुम लोगों पर गवाह हो और ये रसूल तुम्हारे निगहबान और गवाह। और ए महबूब, तुम पहले जिस किबले पर थे हमने वह इसीलिए मुकर्रर निश्चित किया था कि देखें कौन रसूल के पीछे चलता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और बेशक यह भारी थी मगर उन पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की, और अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हारा ईमान अकारत करे। बेशक अल्लाह आदमियों पर बहुत मेहरबान मेहर कृपा वाला है। और हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है।
अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिदे हराम की तरफ, और ऐ मुसलमानों तुम जहाँ कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ करो। और वो जिन्हें किताब मिली है जरूर जानते हैं कि यह उनके रब की तरफ से हक है, और अल्लाह उनके कौतुकों से बेखबर नहीं। और अगर तुम उन किताबियों के पास हर निशानी लेकर आओ, वो तुम्हारे किबले की पैरवी अनुकरण न करेंगे और न तुम उनके किबले की पैरवी करो, और आपस में एक दूसरे के किबले के ताबे फरमानबरदार नहीं। और ऐ सुनने वाले, जो कोई भी हो अगर तू उनकी ख्वाहिशों पर चला बाद इसके कि तुझे इल्म मिल चुका, तो उस वक्त तू जरूर सितमगार अन्यायी होगा। जिन्हें हमने किताब अता फरमाई वो उस नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसे आदमी अपने बेटों को पहचानता है, और बेशक उनमें एक गिरोह समूह जानबूझकर हक सच्चाई छुपाते हैं। ऐ सुनने वाले, ये सच्चाई है तेरे रब की तरफ से, या सच्चाई वही है जो तेरे रब की तरफ से हो, तो खबरदार तू शक ना करना। तफसीर सूरह बकरह 70वां रुकू। यह आयत यहूदियों के बारे में नाजिल हुई जब बैतुल मक़दिस की जगह काबे को किबला बनाया गया। इस पर उन्होंने ताना किया क्योंकि उन्हें यह नागवार था और वो स्थगन आदेश के कायल न थे। एक कॉल पर यह आयत मक्के के मुशरिकों के और एक कॉल पर मुनाफिकों के बारे में उतरी, और यह भी हो सकता है कि इससे काफिरों के ये सब गिरोह मुराद हो, क्योंकि ताना देने और बुरा भला कहने में सब शरीक थे। और काफिरों के ताना देने से पहले कुराने पाक में इसकी खबर दे देना गैबी खबरों में से है। ताना देने वालों को बेवकूफ इसलिए कहा गया कि वो निहायत खुली बात पर एतराज करने लगे, जबकि पिछले नबियों ने आपका लकब दो किबलों वाला बताया भी था और किबले का बदला जाना खबर देते आए। ऐसे रोशन निशान से फायदा न उठाया और एतराज किए जाना पहले दर्जे की मूर्खता है। किबला उस दिशा को कहते हैं जिसकी तरफ आदमी नमाज में मुंह करता है। यहाँ किबला से बैतुल मक़दिस मुराद है। उसे इख्तियार है जिसे चाहे किबला बनाए, किसी को एतराज का क्या हक। बंदे का काम फरमानबरदारी है दुनिया और आखिरत में। दुनिया में तो यह कि मुसलमान की गवाही ईमान वाले और काफिर सबके हक में शरई तौर से भरोसे वाली है, और काफिर की गवाही मुसलमान पर माने जाने के काबिल नहीं। इससे यह भी मालूम हुआ कि किसी बात पर इस उम्मत की सर्व सहमति अनिवार्य रूप से कबूल किए जाने योग्य है। गुजरे लोगों के हक में भी इस उम्मत की गवाही मानी जाएगी। रहमत और अजाब के फरिश्ते उसके मुताबिक अमल करते हैं। सही हदीस की किताबों में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा गुजरा। आपके साथियों ने उसकी तारीफ की। हुजूर ने फरमाया, वाजिब हुई। फिर दूसरा जनाजा गुजरा। सहाबा ने उसकी बुराई की। हुजूर ने फरमाया, वाजिब हुई। हजरत उमर ने पूछा कि हुजूर क्या चीज वाजिब हुई। फरमाया, पहले जनाजे की तुमने तारीफ की उसके लिए जन्नत वाजिब हुई, दूसरे की तुमने बुराई की उसके लिए दोजख वाजिब हुई। तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। फिर हुजूर ने यह आयत तिलावत फरमाई। ये तमाम गवाहियां उम्मत के नेक और सच्चे लोगों के साथ खास हैं, और उनके विश्वसनीय होने के लिए जबान की एहतियात शर्त है। जो लोग जबान की एहतियात नहीं करते और शरीयत के खिलाफ बेजा बातें उनकी जबान से निकलती हैं और नाहक लानत करते हैं। सही हदीस की किताबों में है कि कयामत के दिन न वो सिफारशी होंगे और न गवाह। इस उम्मत की एक गवाही यह भी है कि आखिरत में जब तमाम अगली पिछली उम्मतें जमा होंगी और काफिरों से फरमाया जाएगा, क्या तुम्हारे पास मेरी तरफ से डराने और निर्देश पहुंचाने वाले नहीं आए, तो वो इनकार करेंगे और कहेंगे कोई नहीं आया। नबियों से पूछा जाएगा, वो अर्ज करेंगे कि ये झूठे हैं, हमने इन्हें तेरे निर्देश बताए। इस पर उनसे दलील तलब की जाएगी। वो अर्ज करेंगे कि हमारी गवाह उम्मते मुहम्मदिया है। ये उम्मत पैगंबरों की गवाही देगी कि उन हजरात ने तबलीग फरमाई। इस पर पिछली उम्मतों के काफिर कहेंगे, इन्हें क्या मालूम, ये हमसे बाद हुए थे। पूछा जाएगा, तुम कैसे जानते हो। ये अर्ज करेंगे, या रब तूने हमारी तरफ अपने रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, कुरान पाक उतारा, उनके जरिए हम कतई यकीनी तौर पर जानते हैं कि नबियों ने तबलीग का फर्ज भरपूर तौर से अदा किया। फिर नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी उम्मत के बारे में पूछा जाएगा, हुजूर उनकी पुष्टि फरमाएंगे।
इससे मालूम हुआ कि जिन चीजों की यकीनी जानकारी सुनने से हासिल हो उस पर गवाही दी जा सकती है। उम्मत को तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए से उम्मतों के हाल और नबियों की तबलीग की कतई यकीनी जानकारी है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करम से नबुव्वत के नूर के जरिए हर आदमी के हाल और उसके ईमान की हकीकत और अच्छे बुरे कर्मों और मोहब्बत व दुश्मनी की जानकारी रखते हैं। इसीलिए हुजूर की गवाही दुनिया में शरीयत के हुक्म से उम्मत के हक में मकबूल है। यही वजह है कि हुजूर ने अपने जमाने के हाजिरीन के बारे में जो कुछ फरमाया, जैसे कि सहाबा और नबी के घर वालों की बुजुर्गी और बड़ाई, या बाद वालों के लिए जैसे हजरत उवैस और इमाम मेहदी वगैरह के बारे में, उस पर अकीदा रखना वाजिब है। हर नबी को उसकी उम्मत के कर्मों की जानकारी दी जाती है ताकि कयामत के दिन गवाही दे सके। चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही आम होगी, इसलिए हुजूर तमाम उम्मतों के हाल की जानकारी रखते हैं। यहाँ शहीद का मतलब जानकार भी हो सकता है, क्योंकि शहादत का शब्द जानकारी और सूचना के लिए भी आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु अला कुल्ले शैइन शहीद, यानी और अल्लाह हर चीज की जानकारी रखता है। सूरह मुजादला आयत 6। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले काबे की तरफ नमाज पढ़ते थे। हिजरत के बाद बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ। 17 महीने के करीब उस तरफ नमाज पढ़ी। फिर काबा शरीफ की तरफ मुंह करने का हुक्म हुआ। किबला बदले जाने की एक वजह यह बताई गई कि इससे ईमान वाले और काफिर में फर्क और पहचान साफ हो जाएगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ने के जमाने में जिन सहाबा ने वफात पाई, उनके रिश्तेदारों ने किबला बदले जाने के बाद उनकी नमाजों के बारे में पूछा था, उस पर ये आयत उतरी और इत्मीनान दिलाया गया कि उनकी नमाजें बेकार नहीं गई, उन पर सवाब मिलेगा। नमाज को ईमान बताया गया क्योंकि इसकी अदा और जमात से पढ़ना ईमान की दलील है। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे का किबला बनाया जाना पसंद था, और हुजूर इसी उम्मीद में आसमान की तरफ नजर फरमाते थे। इस पर यह आयत उतरी, आप नमाज ही में काबे की तरफ फिर गए, मुसलमानों ने भी आपके साथ उसी तरफ रुख किया। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और पसंद मंजूर है, और आपकी खातिर ही काबे को किबला बनाया गया। इससे साबित हुआ कि नमाज में किबले की तरफ मुंह होना फर्ज है, क्योंकि उनकी किताबों में हुजूर की तारीफ के सिलसिले में यह भी दर्ज था कि आप बैतुल मक़दिस से काबे की तरफ फिरेंगे, और उनके नबियों ने बशारतों के साथ हुजूर का यह निशान बताया था कि आप बैतुल मक़दिस और काबा दोनों किबला की तरफ नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि निशानी उसको लाभदायक हो सकती है जो किसी शुबह की वजह से इनकारी हो। ये तो हसद और दुश्मनी के कारण इनकार करते हैं, इन्हें इससे क्या नफा होगा। मानी ये है कि यह किबला स्थगित न होगा, तो अब किताब वालों को यह लालच न रखना चाहिए कि आप उनमें से किसी के किबले की तरफ रुख करेंगे। हर एक का किबला अलग है। यहूदी तो बैतुल मक़दिस के गुंबद को अपना किबला करार देते हैं, और ईसाई बैतुल मक़दिस के उस पूर्वी मकान को जहां हजरत मसीह की रूह डाली गई। फतह यानी यहूदियों और ईसाइयों के उल्मा। मतलब यह है कि पिछली किताबों में आखिरी जमाने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण ऐसे साफ शब्दों में बयान किए गए हैं जिनसे किताब वालों के उल्मा को हुजूर के आखिरी नबी होने में कुछ शक शुबह बाकी नहीं रह सकता, और वो हुजूर के इस उच्चतम पद को पूरे यकीन के साथ जानते हैं। यहूदी आलिमों में से अब्दुल्लाह बिन सलाम इस्लाम लाए तो हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि आयत यरिफून हूँ, वो इस नबी को ऐसा पहचानते हैं में जो पहचान बयान की गई है उसकी शान क्या है। उन्होंने फरमाया, ए उमर, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बगैर किसी शुबह के पहचान लिया, और मेरा हुजूर को पहचानना अपने बेटों के पहचानने से कहीं ज्यादा भरपूर और संपूर्ण है। हजरत उमर ने पूछा, वह कैसे? उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि हुजूर अल्लाह की तरफ से उसके भेजे हुए रसूल हैं। उनके गुण अल्लाह ताला ने हमारी किताब तौरात में बयान फरमाए हैं। बेटे की तरफ से ऐसा यकीन किस तरह हो? औरतों का हाल ऐसा ठीक ठीक किस तरह मालूम हो सकता है? हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हु ने उनका सर चूम लिया।
इससे मालूम हुआ कि ऐसी दीनी मोहब्बत में जिसमें वासना शामिल न हो माथा चूमना जायज है। यानी तौरात और इंजील में जो हुजूर की नात और गुणगान है, किताब वालों के उल्मा का एक गुट उसको हसद, ईर्ष्या और दुश्मनी से जानबूझकर छुपाता है। सच्चाई का छुपाना गुनाह और बुराई है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका एजारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।